दिनांक 12/2/2021 को छात्र संगठन SFI और भारत की नजवादी नौजवान सभा में के पश्चिम बंगाल में छात्रों की शिक्षा और रोजगार की मांग के लिए हो रही रैली पर ममता बनर्जी के द्वारा कराए गए बर्बर लाठीचार्ज के विरोध में ममता बनर्जी का पुतला आजाद मार्ग सुल्तानपुर के सामने फूंका गया। छात्रों को संबोधित करते हुए SFI के प्रदेश अध्यक्ष विवेक विक्रम सिंह ने कहा कि कल पश्चिम बंगाल में छात्रों नौजवानों ने शिक्षा और रोजगार की मांग को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से रैली निकाला था, जिस रैली को रोकते हुए पुलिस ने पानी की बौछार, आंसू गैस के गोले और इलाके में इसके बाद भयानक तरीके का लाठीचार्ज किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में छात्र और नौजवान घायल हैं और कुछ की तबीयत गंभीर बनी हुई है। पहले भी लाठीचार्ज होते थे, लेकिन इधर बीच जिस तरीके से सरकार और पुलिस का रवैया है वो बिल्कुल दुश्मनों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है। समस्याओं को लेकर आवाज उठाना हालांकि लोकतांत्रिक अधिकार है। छात्रों के ऊपर किए गए बर्बर लाठीचार्ज की संगठन कई शब्दों में निंदा करता है। इसी क्रम में भारत की जनवादी नौजवान सभा के जिला उपाध्यक्ष शशांक पांडे ने कहा कि मौजूदा समय में सरकारों ने आंदोलनों का दमन करने का फैशन बनाया है, वो चाहे केंद्र की भाजपा की सरकार हो या पश्चिम बंगाल की ममता सरकार, ये जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुन करके आई है उनकी धज्जियां उड़ाने में उन्हें कोई भी संकोच नहीं है, जिसका जवाब आने वाले समय में जनता जरूर देगी। SFI के जिलाध्यक्ष सैफ हामिद और जिला सचिव सौरभ मिश्र ने कहा कि छात्रों नौजवानों का यह प्रदर्शन जो शिक्षा और रोजगार की मांग को लेकर हो रहा था, ममता सरकार ने इस आंदोलन का नहीं बल्कि अपना दमन किया है। आने वाले समय में यही छात्र और नौजवान जिस पर लाठी चली है वो इसका हिसाब जरूर करेंगे। कार्यक्रम में राजू तिवारी, शिवम मौर्य, पार्थ सारथी, अभिषेक कुमार, राजेश सिंह, महेश, सुनील धुरिया, राकेश सोनी, विमल श्रीवास्तव, अरविंद यादव, शिवम, पीयूष वर्मा, आनी खान, पिंटू समेत अन्य लोग मौजूद रहे। ये आज जो है SFI और DYFI के लोगों ने यहाँ आजाद पार्क में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला इन्होंने यहाँ पे फूंका हुआ है। कल कोलकाता के अंदर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI और डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया DYFI के लोग शिक्षा और रोजगार की मांग को लेकर वहां प्रदर्शन कर रहे थे, जो वहां की सरकार को नागवार गुजरा। एक तो रोजगार वो दे नहीं रहे। कल प्रदर्शन के दौरान उन्होंने लाठी चार्ज करवाया वहां पे, जिसमें 200 से ज्यादा छात्र और नौजवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उसके खिलाफ हम लोगों ने आक्रोश यहां पे कराया है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को वहां पुतला फूंका। ये अभी हम लोग स्टेट पे और सेंट्रल कमेटी हमारी तय करेगी। ये काल पूरे स्टेट के अंदर है और स्टेट के अंदर तमाम जिलों में कार्रवाई हुई है। इसको ऑल इंडिया पैमाने पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। और ये प्रदर्शन है शिक्षा और रोजगार की मांग को लेकर हमेशा से नौजवान छात्र लड़ते रहे हैं SFI और DYFI के लोग, या आगे भी लड़ते रहेंगे। ये लड़ाई यहाँ रुकने वाली नहीं है। अतिक्रमण हटवाना चाहिए, अतिक्रमण से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक समय सीमा निश्चित करनी चाहिए कि कहाँ तक हटना है। उनको जो है आप जो है नाली के पीछे लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, पक्की दुकानों के सामने कोई दुकान न लगाए ये सही है, लेकिन नाली के पीछे अगर जगह है उसका परिवार उसी से चलता है, उस पूरे परिवार की शिक्षा दीक्षा उसी से चलती है, ये भी देखना चाहिए कि उस गरीब परिवार को।